ओम शांति। आज 14 जनवरी 2018 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, जिनका श्रवण हमने अपनी प्रातः क्लास में किया, आइए उस पर मनन और चिंतन करें। आज बाबा ने आपको दो स्पेशल फल खिलाए हैं, नए फल हैं वो, याद आ गए होंगे। एक है प्रत्यक्ष फल और दूसरा ईश्वरीय जादू का फल। आशा है आपको बहुत आनंद आया होगा, बांट करके हम लोग फिर से उन्हें खाते हैं। आज बाप दादा अपने सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देने, मिलन मनाने, स्नेह का प्रत्यक्ष फल, स्नेह की भावना का श्रेष्ठ फल देने के लिए बच्चों के संगठन में आए हैं। भक्ति में भी स्नेह और भावना भक्त आत्मा के रूप में रही, तो भक्त रूप में भक्ति थी लेकिन शक्ति नहीं थी, स्नेह था लेकिन पहचान व संबंध श्रेष्ठ नहीं था, भावना थी लेकिन अल्पकाल की कामना भरी भावना थी। अभी भी स्नेह और भावना है लेकिन समीप संबंध के आधार पर स्नेह है। अधिकारीपन के शक्ति की, अनुभव के अथॉरिटी की श्रेष्ठ भावना है। ये मैं चाहूंगी आप एक्सप्लेन करेंगे कि स्नेह और भावना जो बाबा ने वर्णन की है वो क्या है। यानी बाबा ने इसमें भक्ति का और ज्ञान का कंट्रास्ट किया है कि भक्ति में भी जो होता है भावना होती है, भगत की बहुत श्रद्धा भावना होती है और स्नेह होता है, और ज्ञान में भी स्नेह और भावना होती है। तो बाबा ने दोनों में बताया है कि वहाँ शक्ति नहीं होती, यहाँ शक्ति अनुभव की अथॉरिटी होती है। हम अधिकार के तौर पे परमात्मा से संबंध रखते हैं, वो अधीनता के दास के तौर पे परमात्मा में भावना रखते हैं। और बाबा ने कहा कि उसके अंदर भी जो है अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रहती है, और बाबा कहते तुमको तो अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, तुम तो सदा वर्षे की इच्छा रहती। तो दोनों का कंट्रास्ट बाबा ने अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरह बताया है। बाबा ने बहुत फाइन रीच से, जो मैं अगला सेंटेंस पढ़ती हूँ, भिखारीपन की भावना बदल, संबंध बदल, अधिकारीपन का निश्चय और नशा चढ़ गया। ऐसे सदा श्रेष्ठ आत्माओं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है। सभी प्रत्यक्ष फल के अनुभवी आत्माएं हो, प्रत्यक्ष फल खाकर देखा है, और फल तो सत्युग में भी मिलेंगे, अब कलयुग के भी बहुत फल खाए, लेकिन संगम युग का प्रभु फल, प्रत्यक्ष फल अगर अब नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। ये सारी मुरली वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की है। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं, प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला फल खाया है, सभी ने खाया है या कोई रह गया है? ये ईश्वरीय जादू का फल है। यानी सर्व शक्तियाँ, सर्व संबंध के सने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण और सर्व सर्व संबंध के स्नेह के रस वाला ये फल है। इसको बाबा ने ईश्वरीय जादू क्यों कहा? क्योंकि ये जादू की तरह काम करता है। ये फल जो है इसका जो प्रत्यक्ष तो बाबा ने कहा, लेकिन इसका सारा इफेक्ट जादू की तरह हमें अनुभव होता है। जैसे कोई जादू नगरी में चला जाए तो यहाँ से तो वो गुमसुम हो जाता है ना, तो ये ऐसा जादू है जिसके अंदर आत्मा बिल्कुल खो जाती है, मगन हो जाती है, लीन हो जाती है अति इंद्रिय सुख के अंदर, तो उसको इस दुनिया की सुध बुद्धि नहीं रहती। जिस फल खाने से लोहे से पारस से भी ज़्यादा हीरे बन जाते हो। कहते हैं लोहा पारस बन जाता है, बाबा कहते हैं पारस तो छोड़ो, हीरा बन जाता है, पत्थर हीरा बन जाता है।
इस फल से जो संकल्प करो वो प्राप्त कर सकते हो। ये जादू ही हो गया ना। अविनाशी फल, अविनाशी प्राप्ति, ऐसे प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा ही माया के रोग से तंदुरुस्त रहते हैं। दुख अशांति से, सर्व विघ्नों से सदा दूर रहने का अमर फल मिल गया है। आत्मा अमर है ना, तो बाबा कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से कोई दुख आता भी है तो आप उसके प्रभाव में नहीं आते। बाप का बनना और ऐसे श्रेष्ठ फल प्राप्त होना, ये प्राप्ति है बाबा से मिल बनने की। जानकी दादी कहती है ना आजकल कि मुझे दर्द है पर दुख नहीं है। लोग दुख दर्द कहते हैं, दुख पहले आता है, दर्द बाद में होता है। जब वो कहती है कि दर्द तो हिसाब किताब से आता है, तो बाबा ने कहा ये स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है। दुख दर्द से दूर अमर फल खाया हुआ आत्मा के स्वरूप में न्यारे होकर अति इंद्रिय सुख में रहकर यानी कर्म भोग को भी कर्म योग से बदल देती है। आज बाप दादा आए हुए विशेष पांडव सेना को देख हर्षित तो हो ही रहे हैं, साथ साथ ब्रह्मा बाप के हम जिनसे सदा पार्टी की जाती, पिकनिक मनाई जाती, आज इस प्रभु फल की पिकनिक मना रहे हैं। फलों की पिकनिक है आज। लक्ष्मी नारायण भी ऐसे पिकनिक नहीं करेंगे। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मणों की ये अलौकिक पिकनिक है, ये पांडवों के साथ है। हाँ, बात। ब्रह्मा बाप हम जिन्स को देख हर्षित होते हैं। लेकिन हम जिन्स ही बनना, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले समान साथी अर्थात हम जिन्स, ऐसे हम जिन्स होना। वह अभी सोच रहे हो क्या करें कैसे करें, सोचने वाले हो वह समान बनाने वाले हो, सेकंड में सौदा करने वाले हो वह अभी भी सोचने का समय चाहिए, सौदा करके आए हो व सौदा करने आए हो। कभी कभी बाबा पूछता है ना, तकदीर जगा कर आए हो या तकदीर जगाने आए हो। इसलिए बाबा कहता है सोचता नहीं बनो, अब अनुभव करता बनो। परमिशन किसको मिली है? सभी ने फॉर्म भरे थे। हाँ। वह छोटी छोटी ब्रह्मणियों को बातें बता के पहुंच गए हो। ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें बताते हैं। बाप दादा के पास सभी के मन के सफाई की और चतुराई की दोनों बातें पहुंचती हैं। कई होते हैं ना, अपनी ब्राह्मणी को कोई झूठ सच बोल के फार्म भर देते हैं, तो बाबा कहता है मेरे पास तो ये पहुंचा हुआ है ना, चतुराई भी पहुंचती है और सब सच्चाई भी पहुंचती है। लेकिन मधुबन में कई सौदा करने वाले भी आ जाते हैं। करके आने वाले के बजाय यहाँ आकर सौदा करते हैं। इसलिए बाप दादा क्वांटिटी में क्वालिटी को देख रहे हैं। क्वांटिटी की विशेषता अपनी है, क्वालिटी की विशेषता अपनी है, चाहिए दोनों ही। गुलदस्ते में वैरायटी रंग रूप वाले फूलों से सजावट होती है। पत्ते भी नहीं होंगे तो गुलदस्ता नहीं शोभेगा। तो बाप दादा के घर के श्रृंगार तो सभी हुए, सभी के मुख से बाबा शब्द तो निकलता ही है, बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं। अभी भी देखो ये ओम शांति भवन का हॉल आप सबके आने से सज गया है, तो घर के श्रृंगार बाप के श्रृंगार सदा चमकते रहो। क्वांटिटी से क्वालिटी में परिवर्तन हो जाओ। ये देखो ना, बाबा ने किसी युक्ति से कहा है कि जो ऐसे इनकम्प्लीट आ गए कि यहाँ जाओ बाबा की प्रेरणा मिलेगी, मंग आएगा तो सौदा करेंगे, क्वांटिटी तो काफ़ी है। बाबा पहले बाबा ने कहा क्वांटिटी में क्वालिटी को देख रहा हूँ, फिर बाबा ने कहा नहीं क्वांटिटी की भी आवश्यकता है। बाबा तो कहा आए तो सही, सौदे की ट्राई करने ही आ गए। फिर बाबा ने गुलदस्ता बताया, गुलदस्ते में तो पत्ते भी चाहिए होते हैं, नहीं तो पूरा गुलदस्ता। तो बाबा के घर के श्रृंगार तो सारे ही बच्चे हैं, ओम शांति भवन भरा हुआ। फिर बाबा ने शिक्षा भी दी कि क्वांटिटी को क्वालिटी में बदलना है। तो बाबा तो क्वालिटी को देख रहा है ना। बाबा कहते हैं सतयुग में भी ऐसे ही होगा, महाराजा महारानी भी होंगे, रॉयल फैमिली भी होगी,
रॉयल प्रजा भी होगी, साधारण प्रजा भी होगी, दास दासी भी होंगे। बाप कहा तो दास दासी तो सतयुग में बन ही जाएंगे ना, पर बाबा कहते हैं दास दासी की जगह तुम ऊपर की स्टेज को धारण करो। आज तो श्रम मिलने का दिन था, फिर भी ब्रह्मा बाप को हम जिन्स पसंद आ गए, इसलिए पिकनिक की। अच्छा, सदा प्रभु फल खाने के अधिकारी, सदा ब्रह्मा बाप समान सेकंड में सौदा करने वाले, हर कर्म में कर्म योगी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे बाप समान विशेष आत्माओं को, चारों ओर के क्वालिटी और क्वांटिटी वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की है, अधर कुमार है। सदा अपने को विश्व के अंदर कोटों में से कोई हम हैं, ऐसे अनुभव करते हो जब भी ये बात सुनते हो, कोटों से कोई, कोई में भी कोई, तो वो स्वयं को समझते हो। जब हू बहु पार्ट रिपीट होता है, उस रिपीट हुए पार्ट में हर कल्प आप लोग ही विशेष होंगे ना, ऐसे अटल विश्वास रहे। सदा निश्चय बुद्धि सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं, निश्चय की निशानी है निश्चिंत, चिंताएं सारी मिट गईं, बाप ने चिंताओं की चिता से बचा लिया, चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया, बाप से लगन लगी, लगन के आधार पर लगन की अग्नि में चिंताएं सब ऐसे समाप्त हो गईं जैसे थी ही नहीं, एक सेकंड में समाप्त हो गई ना, ऐसे अपने को शुभ चिंतक आत्माएं अनुभव करते हो। कभी चिंता तो नहीं रहती, न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, न धन की चिंता, क्योंकि दाल रोटी तो खाना है, बाप के गुण गाना है, क्योंकि जानते हैं ये अंतिम जन्म और अंत का समय है, इसमें सब चुकतु होना है, इसलिए सदा शुभ चिंतक। क्या होगा कोई चिंता नहीं, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, जब सब कुछ जान गए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन खत्म। जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि ज्ञान है जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। तो सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं, यही तो जीवन है। कितनी बाबा ने शक्ति भर दी। अगर जीवन में निश्चिंत नहीं तो वो जीवन ही क्या है। ऐसी श्रेष्ठ जीवन अनुभव कर रहे हो, परिवार की भी चिंता तो नहीं है, हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब चुकतु भी कर रही है, बना भी रही है। इसमें हम क्या चिंता करें, कोई चिंता नहीं। पहले चिता पर जल रहे थे, अभी बाप ने अमृत डाल जलती चिता से मर जीवा बना दिया, जिंदा कर दिया, जैसे कहते हैं मरे हुए को जिंदा कर दिया, बाप ने अमृत पिलाया और अमर बना दिया। मरे हुए मुर्दे के समान थे, अब देखो क्या बन गए, मुर्दे से महान बन गए। पहले कोई जान नहीं थी तो मुर्दे समान ही कहेंगे, भाषा भी क्या बोलते थे, अज्ञानी लोग भाषा में बोलते हैं मर जाओ ना, या कहेंगे हम मर जाएं तो बहुत अच्छा। अब तो मर जीवा हो गए, विशेष आत्माएं बन गए, यही खुशी है, जलती हुई चिता से अमर हो गए, ये कोई कम बात नहीं ये है। इस मुरली से देखिए कितनी शक्ति आती है। पहले सुनते थे भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है ये नहीं समझते थे, अभी समझते हो, हम ही जिंदा हो गए तो सदा नशे और खुशी में रहो। फिर टीचर्स के साथ ये बहुत ही अच्छा, सेवाधारियों की विशेषता क्या है,
सेवाधारी अर्थात आंख खुले और सदा बाप के साथ बाप के समान स्थिति का अनुभव करे। अमृत वेले के महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी, विशेष सेवाधारी की महिमा है जो विशेष वरदान के समय को जाने और विशेष वरदानों का अनुभव करे। अगर अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। विशेष सेवाधारी बनना है तो ये विशेष अधिकार लेकर विशेष बन सकते हो। जिसको अमृत वेले का, संकल्प का, समय का, सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले विशेष सेवाधारी होते हैं। बाबा ने इस टीचर्स के लिए अमृत वेले का कितना महत्व बताया। इस महत्व को जान महान बनना है। अगर अमृत वेले का कोई महत्व रखता है तो बाकी सब चीज का महत्व आप पे ही आ जाता है, और उसका नहीं रखता तो फिर सब ढीला चलता है। इसी महत्व को जान स्वयं भी महान बनो और औरों को भी महत्व बतलाकर, अनुभव कराकर महान बनाओ। फिर बाबा ने कहा कि सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव और बेफिक्र स्थिति चाहिए। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव मिक्स ना हो, कोई भी बात का फिक्र ना हो, क्योंकि फिक्र करने वाला स्वयं भी गंवाता, एनर्जी भी व्यर्थ जाती, काम भी गंवा देता। वो जिस काम के लिए फिक्र करता वो काम बिगड़ जाता। दूसरा, सदा सफलता मूर्त बनने का साधन है एक बल एक भरोसा। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है, और निश्चिंत स्थिति वाला जो भी कार्य करेगा उसमें सफल जरूर होगा। इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। इसमें बाबा ने ये बताया है कि चिंता करना अर्थात निश्चय की कमी, अगर परमात्मा के ऊपर हम बल भरोसा रखते हैं जो सर्वशक्तिवान है, जिसका साथ लेने से विजय निश्चित है, निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती, तो उसको चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चिंता करता है किसी काम की तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके निश्चय की कमी है। उसी प्रकार से बाबा ने बताया अगर मैं को बीच में लाते हो तो भी अपनी शक्ति आ जाती है तो परमात्म शक्ति तो गौन हो जाती है। फिर बाबा कहते हैं चिंता करके फिक्र करके कोई कार्य को करते हो तो चिंता उस कार्य को और ही बिगाड़ देती है, निश्चिंत होकर करोगे तो कार्य ठीक विधि से होगा। ये बहुत अच्छी सेवा के लिए बाबा ने पॉइंट्स बताई हैं। टीचर्स को भी अमृत वेले का महत्व बताकर बहुत अच्छी पॉइंट बताई। बाबा कहते हैं बाप द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करो। कभी भी स्वप्न में भी गलती से प्रभु देन को अपना नहीं समझना। मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये मेरापन आना अर्थात खजानों को गंवाना। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में बंद नहीं रखो, कार्य में लगाओ। सफल करो, सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। सफल करना ही सफलता की चाबी है। फिर बाबा ने श्रेष्ठ खजाने उनकी चाबी कही है, कम खर्च बाला नशीन। इस विधि से सफल करो। जो समय को सफल करते हैं वो समय की सफलता के फल स्वरूप राजभाग का फुल समय राज अधिकारी बनते हैं। बाबा ने हर चीज की सफलता का फल बताया। जो श्वास सफल करते हैं वह अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हैं।
कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। जो ज्ञान का खजाना सफल करते हैं वो ऐसा समझदार बन जाते हैं जो भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं समझदार बन राजभाग चलाते हैं। जो सर्व शक्तियों का खजाना सफल करते हैं अर्थात उन्हें कार्य में लगाते हैं, वह सर्वशक्ति संपन्न बन जाते हैं। उनके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्वशक्तियां स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। जो सर्व गुणों का खजाना सफल करते हैं वो ऐसे गुण मूरत बनते हैं जो आज लास्ट समय में भी उनके जड़ चित्र का गायन सर्व गुण संपन्न देवता के रूप में होता है। जो स्थूल धन का खजाना सफल करते वो 21 जन्मों के लिए माला माल रहते हैं। तो सफल करो, सफलता मूरत बनो। बाबा ने हर चीज का सफलता का फल बताया, कितना श्रेष्ठ फल है। मैं चाहूंगी आप ये जो शब्द हैं कम खर्च बाला नशीन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। कम खर्च बाला नशीन का यही अर्थ होता है कि थोड़े से थोड़े एफर्ट से थोड़े खर्चे से अथाह कमाई हो, जिसको हम लॉटरी कहते हैं ना। लॉटरी में थोड़ा सा टिकट लगता है लेकिन उससे प्राप्ति कितनी हो जाती है। तो हमेशा बाबा कहता है अपने समय को वैल्यूएबल बनाओ। तो वैल्यूएबल चीज़ को व्यक्ति सोच समझ के यूज़ करता है ना। अगर साधारण शब्दों को बोल को साधारण करोगे तो ज़्यादा बोल खर्च करने पड़ेंगे और उसका प्रभाव थोड़ा निकलेगा। अगर दो चार शब्द बोलेंगे महावाक्य तो उसका प्रभाव ज़्यादा। तो बोल को भी कम खर्च करो, संकल्प को भी कम खर्च करो। अगर संकल्प कम खर्च करेंगे तो शक्तिशाली होंगे, यानी व्यर्थ संकल्प नकारात्मक संकल्प जाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो बुद्धि की शक्ति को घटाने वाले हैं। इसी प्रकार से हर चीज़ में कफायत करो, इकोनॉमी। तो बाबा ने जो पांच शब्द बताए हुए हैं कि एक नामी, एकाग्र, एक रस और इकोनॉमी, ये सारे उसी के लिए लागू होते हैं। इकोनॉमी करना यानी कम से कम खर्च करो और ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति प्राप्ति ज्यादा हो। बाबा ने ये कहा है अभी वरदान में, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भाव, चलते फिरते सदा यही स्मृति में रहे हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वो सदा स्मृति में रहे, क्योंकि जब बाप के बन गए सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो हल्के बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। भवन ने लाइट बनने का तरीका बताया है, मेरा कहोगे तो बोझ आएगा, अपने अपनी चिंता लगेगी, और बाबा का कहोगे तो आप निश्चिंत हो जाओगे, लाइट हो गए। स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। ये थी बाबा की आज 14 जनवरी 2018 की मुरली। ओरिजिनल ये मुरली 19 अप्रैल 1983 की है। आज की मुरली से अवश्य हमने पिकनिक भी की, फल भी खाए, बाबा ने जिम्मेवारी भी समझाई, स्वयं को हल्का कैसे रहना है वो भी बताया,
और अपना सब कुछ हम सफल करेंगे तो क्या प्राप्ति होगी, वो भी बाबा ने डिटेल दी। ओम शांति।